हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम टू द चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीसी सर्किट चल रहा था बेसिक इलेक्ट्रिकल में, और इससे पहले हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। तो अगर आप में से कोई ऐसा हो जिसने अभी तक बेसिक इलेक्ट्रिकल की जो हम लोगों की क्लासेस हो रही हैं उसने अभी तक ना देखी हो, तो इसके बाद जा कर के वो क्लासेस देख लें। और इससे पहले कि जो भी वीडियोज़ हैं वो अपलोडेड हो चुकी हैं और एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे डीसी सर्किट के। तो डीसी सर्किट में हम लोगों ने करंट डिवीजन रूल तक के हम लोग ने न्यूमेरिकल देख लिए थे। धारा के वितरण का नियम क्या होता है, उस पर कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये आपको बता दिया गया था। तब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ देखिए आपके सामने एक सर्किट बना हुआ है जिसमें आपको तीन रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम। अब इसमें 120 वोल्ट की सप्लाई जुड़ा हुआ है और आपसे पूछा है कि V1, V2 और V3, V1, V2 और V3 का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। V1 कितना होगा, V2 कितना होगा और V3 कितना होगा। तो जब आपको डीसी सर्किट पढ़ाया गया था तो उसमें आपको बताया गया था कि ये क्या है आपका, ये वोल्टेज डिवीजन रूल है, वोल्टा के वितरण का नियम है। इसमें क्या होता है कि जिस पे आपको वोल्टेज निकालना होता है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे है आपका V1, V1 किस पर का वोल्टेज है, 10 ओम का। तो ऊपर क्या लिखेंगे, 10, और बाकी सबको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10 प्लस 20 प्लस 30 मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे, टोटल जो वोल्टेज है कितना है आपका, 120 कितना हो गया आपका, 10 अपॉन 60 इंटू 120, यहां पे कितना आ गया आपका, 20 वोल्ट। अब इसी तरह अगर आपको V2 निकालना है तो V2 क्या है आपका, इस 20 ओम पर मौजूद वोल्टेज, 20 ओम का वोल्टेज है। तो क्या है, ऊपर में आपने 20 लिखा, नीचे में आपने सब कुछ जोड़ दिया, 10 प्लस 20 प्लस 30 मल्टीप्लाई करेंगे आप टोटल वोल्टेज से, कितना है आपका, 120, कितना आ जाएगा आपका, 20 अपॉन 60 इंटू 120, यानी कितना आ जाएगा आपका, 40 वोल्ट। अब देखिए V3 क्या है, इस 30 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज, तो ऊपर में 30, नीचे में 60 मल्टीप्लाई बाई 120, कितना आ गया आपका, आ गया आपका 60 वोल्ट। तो आपने देखा V1, V2 और V3, V1, V2, V3 आपने निकाला, टोटल वोल्टेज आपको दिया था और सिर्फ रेजिस्टेंस दिए थे। यहाँ पे आपने क्या यूज किया, यहाँ पे आपने लगाया वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टता के वितरण का नियम। वोल्टता के वितरण का नियम क्या कहता है कि जिस रेजिस्टेंस पे आपको वोल्टेज निकालना है आप उस रेजिस्टेंस को लेते हैं, अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस जितना आपको गिवन होता है उसको आप ऐड कर देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं आप जो आपका टोटल वोल्टेज दिया होता है। तो क्या हो गया, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम का जो आपका वोल्टेज आया कितना आया, 20 वोल्ट, 40 वोल्ट और 60 वोल्ट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर आठ, जहां पे 10 था वहां 20 कर लीजिए, जहां 20 था वहां 40 कर लीजिए, जहां 40 था वहां 60 कर लीजिए, और यहां क्या हो गया आपका,
यहाँ पे आपका 240 हो गया। अब आपको बताना वही है V1, V2 और V3, V1, V2 और V3। सेम वही चीज, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गई है, बाकी आपको वोल्टेज आपको गिवेन है और आपसे V1, V2 और V3 आपसे पूछा है, तो करना वही है। V1 निकालेंगे तो V1 क्या है, 20 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज, 20 ओम के आर पार कितना वोल्टेज है, ये आपका है V1। तो क्या नियम क्या कहता है कि जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है, आप उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को लिखते हैं अपॉन में टोटल आपका जितना रेजिस्टेंस है वो लिख देते हैं। 20 प्लस 40 कितना है 60, और 60 और 60 कितना है 120। मल्टीप्लाई करते हैं आप, जो आपका टोटल वोल्टेज है कितना है आपका 240, यानी आपका V1 कितना आ गया 40 वोल्ट। इसी तरह यहाँ पे V2 क्या है, इस 40 ओम के आर पार का वोल्टेज, तो ऊपर क्या लिखेंगे 40, नीचे क्या है आपका टोटल रेजिस्टेंस, यानी R1 R2 R3 जोड़ने पर कितना आया था 120, मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 240 से, क्या आएगा आपका V2 80 वोल्ट। इसी तरह V3 अगर निकालना होगा, V3 क्या होगा, इस 60 ओम के आर पार का वोल्टेज, तो ऊपर क्या लिखेंगे 60, नीचे लिखेंगे 120, मल्टीप्लाई करेंगे 240 से, तो यहाँ पे आपका जो V3 आएगा, V3 क्या आ जाएगा आपका 120 वोल्ट। तो आपने देखा कि R1, R2, R3 और सप्लाई वोल्टेज आपको दिया हुआ था, आपने क्या निकाल लिया V1, V2 और V3। यहाँ पे अगर आपने गौर किया होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो यहाँ पे भी एक कॉमन सी चीज आपको देखने को मिल रही है, वो ये है कि जिसका रेजिस्टेंस कम है उस पे वोल्टेज भी आपको कम मिल रहा है। वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टता के वितरण का नियम के अनुसार आपने एक चीज ये देखी कि जिसका रेजिस्टेंस कम है उस पे आपको वोल्टेज भी कम मिल रहा है, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है उस पे आपको वोल्टेज भी ज़्यादा मिल रहा है। ये क्या है आपका वोल्टेज डिवीजन रूल में, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसके अक्रॉस वोल्टेज भी ज़्यादा। इससे पहले करंट डिवीजन रूल में आपने क्या पढ़ा था कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसके अक्रॉस जो करंट की वैल्यू है वो कम। ठीक है, ये आपको याद रखना है, वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल। इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन में जितने आपको करा दिया गया उसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया गया है। बस जो गलती आपको बताई गई है वो ना करिए। वोल्टेज में क्या है कि जिसके अक्रॉस आप वोल्टेज निकालते हैं आप उसी रेजिस्टेंस को लेते हैं, और करंट में क्या है कि जिसके अक्रॉस आप करंट निकालते हैं आप उसके सामने वाला प्रतिरोध लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है, आपको एक बल्ब दिया है, आपको क्या दिया है एक बल्ब दिया है जिसकी रेटिंग क्या दी है आपको 100 वॉट 200 वोल्ट। एक बल्ब है जिसकी रेटिंग आपको दी है कितना 100 वॉट 200 वोल्ट। आपसे पूछ रहा है कि अगर इस बल्ब को हम 100 वोल्ट पे ऑपरेट कराते हैं तो इसमें कितनी करंट आपकी फ्लो होगी। सवाल फिर से सुन लीजिए, सवाल कह रहा है कि अगर आपके पास एक बल्ब है जिसका वोल्टेज आपको दिया है 100 वॉट और जिसका वोल्टेज आपको कितना दिया है 200 वोल्ट, 100 वॉट 200 वोल्ट का एक बल्ब है, आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको करंट फ्लो करानी है 100 वोल्ट के अक्रॉस में सप्लाई में तो कितनी करंट आपकी फ्लो होगी। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले याद रखिए
कि आपको वोल्टेज दिया है, आपको करंट पूछी है, तो यहां से आपको क्या निकालना है, यहां से आपको निकालना है रेजिस्टेंस। फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। आर बराबर क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन पी। इस बल्ब के लिए वोल्टेज कितना है, 200। तो यहां पे आपका जो रेजिस्टेंस आया कितना आया, 400 ओम का। अब देखिए इस बल्ब को आप एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं, कितना है यहाँ पे 400 ओम। सप्लाई कितनी लगी है आपकी, 100 वोल्ट की, और आपसे पूछा क्या है, आई। अब देखिए आपने इस सर्किट को इस सर्किट से आपने रिप्लेस किया, इसका रेजिस्टेंस आपने निकाला था 400, यहाँ पे क्या आ गया 400, वोल्टेज था आपका 100 वोल्ट और करंट थी आपकी आई। तो यहां से आई बराबर क्या आ गया आपका, वी अपॉन आर, कितना था आपका 100 अपॉन 400 यानी 1/4 एम्पियर, 1/4 एम्पियर। तो आपने देखा कि कितना सिंपल क्वेश्चन था। केवल आपको क्या करना है, कहीं भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले जिसमें आपको एक बल्ब दिया हो और उसको सप्लाईज कनेक्ट किया हो और आपसे करंट पूछ रहा हो, तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि उस बल्ब का कितना रेजिस्टेंस है, कितना प्रतिरोध है, ये आपको निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, तो आर बराबर क्या हो गया, वी स्क्वायर अपॉन पी। इससे क्या आ गया आपका, रेजिस्टेंस आ गया आर यानी प्रतिरोध। तो आपने क्या किया कि इस बल्ब की जगह आपने क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया और वोल्टेज आपको गिवन था। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था कि करंट कितनी है, तो आपको पता है कि आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर, तो आपने करंट निकाली, कितनी आ गई, 1/4 एम्पियर। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके में आ सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जो आपका डीसी सर्किट चल रहा है, इस डीसी सर्किट से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके न्यूमेरिकल्स आपको काफी अच्छे से करना आना चाहिए। जितने भी तरीके के आपके से न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं वो सब आपको यहाँ कराए जाएंगे, तो आप लोग को परेशान नहीं होना है और अच्छे से आपको तैयारी करनी है डीएमआरसी के लिए और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं कि यूपीपीसीएल का एग्जाम कब होगा, जानकारी दे दीजिए। तो देखिए अभी यूपीपीसीएल की कोई भी जानकारी स्पष्ट नहीं मिल पाई है, ना ही अभी ये मालूम पड़ पाया है कि कब तक आएगी या फिर नहीं आएगी, ऐसा भी नहीं मालूम पड़ा है। तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, जब आनी होगी तब आएगी, हो सकता है कि एक दो महीने में आ जाए, हो सकता है कि कुछ टाइम बाद आए, तो आपको तैयारी जारी रखनी है, आज नहीं तो कल आनी तो ही है। और जो लोग कह रहे हैं प्राइवेट हो गया है उनको बोलने दीजिए, अपना आप लोग तैयारी जारी रखिए। यहां देखिए, अब देखिए यहां पे आपको दो बल्ब गिवन है, दो बल्ब गिवन है, एक का दिया है आपको 100 वॉट 200 वोल्ट, दूसरे का दिया है आपको 200 वॉट 200 वोल्ट। सप्लाई लगाई गई है आपकी 150 वोल्ट की, आपसे पूछ रहा है कि टोटल करंट बताइए और V1 और V2 बताइए, यानी दोनों बल्ब के आर पार कितना वोल्टेज है ये आप बताइए। तो देख लीजिए सवाल, एक बार फिर से सुन लीजिए, सवाल क्या है, सवाल है अगर आपके पास दो बल्ब हैं, एक है 100 वॉट 200 वोल्ट का, दूसरा है 200 वॉट 200 वोल्ट का, तो इसमें आपको 150 वोल्ट की सप्लाई से अगर इनको जोड़ा जाए तो टोटल करंट कितनी फ्लो होगी और V1 और V2 का मान कितना होगा। तो जैसा कि आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सबसे पहले आपको निकालना है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो इस बल्ब का अगर हम लोग मान लेते हैं R1 रेजिस्टेंस होगा, तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस आपका R2 होगा। ठीक है, तो R1 का मान इससे पहले आपने निकाला था, कितना आया था आपका 400 ओम। ठीक है, अब R2 को अगर आप निकालेंगे तो इसका आ जाएगा 200 ओम। तो यहाँ पे आप इस सर्किट को चेंज करके आप लगा सकते हैं कुछ इस तरह, यह है आपका 400 ओम का प्रतिरोध और यह है आपका
200 ओम का रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या है, आपकी सप्लाई है आपकी 150 वोल्ट की, ठीक है। आपसे पूछा है आई और वी वन और वी टू, आई वी वन और वी टू। सबसे पहले देखते हैं कि जो आपका वोल्टेज है वी वन, वी वन अगर आप निकालेंगे तो वी वन कितना आ जाएगा। यहाँ पे लगाते हैं वोल्टेज का डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है कि 400 अपॉन 400 प्लस 200 यानी 600 मल्टीप्लाई करते हैं 150 से, 1 × 4 कितना आ गया, V1 आपका आ गया 100 वोल्ट। V1 कितना आ गया 100 वोल्ट। इसी तरह V2 देख लीजिए, V2 क्या है 200 वोल्ट के आसपास का वोल्टेज है, तो 200 अपॉन 600 मल्टीप्लाई बाय 150, 1 × 4 V2 कितना आ गया आपका 50 वोल्ट। तो V1 आपका आ गया 100 वोल्ट, V2 आ गया आपका 50 वोल्ट। आपसे पूछा था करंट, आपको क्या पता है V बराबर क्या होता है IR। तो किसी भी एक रजिस्टर के अक्रॉस में आप करंट निकाल लीजिए, आपका आ जाएगा इस 400 ओम के अक्रॉस में जो आपका है वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट, आई आपको पता नहीं है और रेजिस्टेंस कितना है आपका 400। तो यहां से आपकी जो करंट आ गई कितनी आ गई 1/4 एम्पियर, 1/4 एम्पियर। तो देखा आपने, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये आपका डीसी सर्किट है और एग्जामिनर इस चैप्टर से काफी क्वेश्चंस उठाता है, काफी क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल्स के रूप में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है और जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए। बाकी और अच्छी तैयारी करने के लिए, अगर आप डीएमआरसी के लिए सीरियस हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लखनऊ आइए और लखनऊ आकर के अच्छी से अच्छी तैयारी करिए और सिलेक्शन का चांस अपना बढ़ाइए। अगर आप किसी कारणवश नहीं आ सकते हैं तो फिर आप घर बैठे अच्छी तैयारी करिए, स्टडी मटेरियल अपने एड्रेस मंगवाइए, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि इंग्लिश वर्जन लीजिए, और इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज लिखे हुए हैं और डिटेल थ्योरी आपकी उसमें मौजूद है। बाकी जो भी जानकारी है आपकी डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ये था आपका, दो बल्ब अगर लगे हुए हैं और उनको 150 वोल्ट की सप्लाई लगाया जाए तो फिर कितना होगा, V1 और V2 आपने निकाल लिया और आई आपको मालूम पड़ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है कि अगर यही दो बल्ब जो कि आपको कितना दिया था 100 वाट और 200 वोल्ट, इनको अगर आपस में समानांतर यानी पैरेलल में जोड़ा जाए तो फिर जो आपका टोटल करंट होगी वो कितनी होगी और I1 और I2 का मान कितना होगा। सवाल देख लीजिए, सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आपके पास दो बल्ब हैं, पहला बल्ब 100 वोल्ट 200 वोल्ट और दूसरा बल्ब 200 वोल्ट 200 वोल्ट का है, तो अगर इसको 150 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाएगा तो टोटल करंट कितनी होगी और आपको I1 और I2 का मान बताना है। टोटल करंट और I1 और I2 का मान कितना होगा आपको ये बताना है। तो इसमें भी क्या करना है, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि सबसे पहले कोई भी आपको बल्ब वाला क्वेश्चन आए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया 400 और 200, अगला स्टेप उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ करिए। R1 कितना था 400, ये कितना था 200, यहाँ पे क्या है आपका 150 वोल्ट। टोटल करंट है I, यहाँ पे है I1, यहाँ पे है I2, ठीक है। अब देखिए आपको पूछा क्या है कि 400 और जो 200 ओम है इसके अक्रॉस में कितनी करंट फ्लो हो रही है, टोटल करंट कितनी है।
तो 400 और 200 को पैरेलल सॉल्व करेंगे, 1/200 प्लस 1/400 बराबर 1/R, कितना आ गया आपका 400/3 ओम, ये आपका आ गया टोटल रेजिस्टेंस। I बराबर क्या होगा, V/R, वोल्टेज है आपका 150/400×3, 0 से 0 काटा, 3 जा 8 जा, जो आपकी करंट फ्लो हो रही है वो कितनी फ्लो हो रही है, 9/8 एम्पियर। टोटल करंट जो आपकी आ रही है I, वो कितने आ रही है, 9/8 एम्पियर। अब इस सर्किट को आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ये क्या है आपका 9/8 एम्पियर, यहाँ क्या लगा है आपका, एक लगा है आपका 200 ओम और दूसरा क्या लगा है आपका 400 ओम। आपसे पूछ रहा है कि दोनों में बहने वाली धारा बताइए, तो 200 ओम के अक्रॉस अगर आप निकालेंगे, 200 ओम के अक्रॉस में करंट कौन सी थी, I2, कितना हो जाएगा 400/600 × टोटल जो आपका वोल्टेज है कितना है, 150। टोटल आपकी करंट कितनी थी यहाँ पे, 9/8, 20 से 20 गए, 2 जा 3 जा 1 जा 3 जा 1 जा 4 जा, तो I2 कितना आ गया आपके पास, 3/4 एम्पियर। I2 कितना आ गया आपके पास, 3/4 एम्पियर। इसी तरह I1 अगर निकालेंगे, I1 क्या है आपका, इस 400 ओम में बहने वाली करंट, तो क्या हो जाएगा, 200/600 × टोटल करंट कितना है आपका, 9/8, 1 जा 3 जा 1 जा 3 जा, तो I1 कितना आ गया आपका, 3/8 एम्पियर। तो ये आपसे पूछा था कि टोटल करंट कितनी है, आपने निकाल लिया 9/8, I1 और I2 आपसे पूछा था, I1 कितना होगा, I2 कितना होगा, तो आपने निकाला कि I1 कितना है आपका 3/8 और दूसरा क्या है I2 कितना है आपका 3/4। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से देखना है, और काफ़ी इस इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर से बल्ब वाले क्वेश्चन, और काफ़ी ज़्यादा ही इसमें पूछे जा चुके हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड है बल्ब वाले से, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, वो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। वो क्वेश्चन ये है कि अगर एक 100 वाट 200 वोल्ट का लैंप है और एक 40 वाट 200 वोल्ट का लैंप है, एक बार इनको सीरीज में जोड़ा जाता है और दूसरी बार इनको पैरेलल में जोड़ा जाता है, एक बार इन दोनों को सीरीज में जोड़ा जाता है श्रेणी में, और दूसरी बार क्या होता है, इन दोनों को पैरेलल में यानी समानांतर में जोड़ा जाता है। तो सवाल ये है कि सीरीज में कौन सा बल्ब तेज जलेगा, ब्राइटर जलेगा, और पैरेलल में कौन सा बल्ब ब्राइटर जलेगा यानी चमकदार कौन सा होगा, जब आपस में श्रेणी में होंगे और जब पैरेलल में होंगे तब कौन सा चमकदार होगा। तो जैसा कि आपको बताया था कि इन दोनों में सबसे पहले क्या होता है कि आपको रेजिस्टेंस निकालना है, क्या P बराबर क्या होता है, V²/R, तो R बराबर क्या हो गया, V²/P। यहां से आपको क्या मालूम पड़ा, जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, जिसकी पावर ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। अब इस केस में देखते हैं सीरीज में क्या होगा कि जब आपका रेजिस्टेंस कम है, जब रेजिस्टेंस कम है तो जो उसके अक्रॉस में IR ड्रॉप होगा वो भी कम होगा, और जो आपकी I²R लॉस होगा वो भी कम होगा, जिसकी वजह से जो हीट डेवलप होगी वो भी कम होगी। यानी जिसका रेजिस्टेंस कम होगा सीरीज के केस में, उसमें कम लाइट जनरेट होगी, और जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा IR ड्रॉप होगा और उसमें ज़्यादा हीट डेवलप होगी और उसमें ज़्यादा लाइट निकलेगी।
तो पहले केस में सीरीज की बात कर रहा है, आपने देखा कि ज्यादा किसके में होगा जब पावर कम होगी, तो सीरीज के केस में पावर कम किसके में है, 40 में। तो याद रखिएगा जब आपस में सीरीज में कनेक्ट होंगे तो जिसकी पावर ज्यादा होगी वो कम जलेगा और जिसकी पावर कम होगी वो ज्यादा चमकदार जलेगा। अब बात करते हैं दूसरे की, दूसरे में क्या है, पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है। आपने देखा था जिसकी पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है, जिसकी पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस कम है। यहां पे क्या है कि दोनों आपस में कैसे कनेक्ट हैं, समानांतर में है, दोनों आपस में समानांतर में है। तो आपने क्या देखा था कि जब आपके पास दो रेजिस्टेंस होते हैं और वो आपस में समानांतर यानी पैरेलल में जुड़े होते हैं तो जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसमें करंट ज्यादा होती है, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसमें करंट ज्यादा जाती है, और जिसमें करंट ज्यादा होगी उसमें आई स्क्वायर आर लॉस ज्यादा होगा, उसमें हीट भी ज्यादा जनरेट होगी, ठीक है। जब ज्यादा ऊष्मा जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है, तो लाइट भी उसी से ज्यादा निकलेगी। तो आपको मालूम ये पड़ा कि पैरेलल के केस में जिसकी पावर ज्यादा होगी उसमें ज्यादा हीट होगी। तो पावर किसकी ज्यादा है, 100 वाट की, तो पैरेलल केस में कौन ज्यादा चमकदार जलेगा, 100 वाट। तो ये दो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने एमसीक्यूज में काफी बार पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनको वजह मालूम हो, बहुत सो को नहीं मालूम होगी। तो आज आप लोग को ये मालूम हो गया कि सीरीज में क्यों 40 वाट का बल्ब ज्यादा ब्राइटर जलता है और पैरेलल में क्यों 100 वाट का बल्ब ज्यादा चमकदार जलता है। तो उम्मीद करते हैं कि जो आज पढ़ाया गया है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहे। बाकी जो लोग DMRC की तैयारी कर रहे हैं आप लोग अच्छी तैयारी करिए। अगर आपको इलेक्ट्रिकल विजन की सहायता चाहिए तो फिर आपको स्टडी मटेरियल और इलेक्ट्रिकल क्लासेस अवेलेबल हैं, आप जो चाहें आप उसको ले सकते हैं। बाकी क्लासेस यहाँ पे आपकी होती रहेंगी और जो भी आपको डाउट हो आप उसको देख के क्लियर कर सकते हैं। उसके अलावा प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस ना देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स हैं आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।